अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को फिलिस्तीन के कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास और रूस को लोकतंत्र का दुश्मन बताया। ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम टेलीविजन संबोधन में उन्होंने कहा कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण बताया और दोनों देशों को सहायता देने पर बात की। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। बाइडेन ने कहा कि हमास और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर दोनों की मंशा एक है। दोनों अपने पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका महान राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। अमेरिका हमास जैसे आतंकवादियों और पुतिन जैसे तानाशाहों को जीतने नहीं दे सकता। बाइडेन ने कहा उनके लिए बंधक बनाए गए अमेरिकियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति अब्बास से भी बात की और दोहराया कि अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने इजराइल और यूक्रेन के संदर्भ में ईरान की भूमिका की आलोचना की।